हे गाइस, सिद्धार्थ है टेकी बफून और आज देखो हम बात करेंगे OnePlus Buds Z की। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी 10 यूज करना एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखना तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। अब ऑब्वियसली डिपेंड करेगा OnePlus Z बोलो या फिर Z, बट मैंने बहुत सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंड अमेरिकन मूवीज, तो फिर मेरे को मुंह पे जी बैठ गया है। बट ऑब्वियसली जेड बोल सकते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रोस्ट नहीं करना जेड बोलने के लिए। एंड देखो, OnePlus Buds ऑलरेडी लॉन्च हुआ था, एक सॉलिड लॉन्च था। मैंने पर्सनली इतना डिग नहीं किया क्योंकि उसमें रबर टिप्स नहीं थे जो सिलिकन रबर टिप्स होते हैं, एंड वो काइंड ऑफ एक एप्पल एयरपॉड्स की कॉपी थी, लेकिन उसका जो केस था वो गूगल बड्स की कॉपी थी। तो होपफुली एक नए डिज़ाइन के साथ है जो एक्चुअली डिज़ाइन बाय OnePlus हो। एंड ये एक्चुअली लीक हुआ था ऑक्सीजन OS 11 के एक कोड में जिसमें इसका नाम OnePlus Buds Z लिखा हुआ था, तो ये कन्फर्म्ड नेम है। एंड एक्चुअली इसके स्पेसिफिकेशंस इतने लीक हुए नहीं है, ये अब एक्चुअली अक्टूबर 14 को इवेंट है लेकिन अब तक ये कुछ भी लीक नहीं हुआ है कि क्या डायनामिक ड्राइवर्स हैं, क्या कुछ है, वो कुछ भी लीक नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़, आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ उससे थोड़े घंटों पहले एक पोस्ट आया था ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे OnePlus के, ये एंड इसमें लिखा है कमिंग सून। अब ये ऑब्वियसली म्यूजिक के रिलेटेड है, कैप्शन में भी लिखा है, एंड ये रबर सिलिकन टिप्स हैं, तो काइंड ऑफ कन्फर्म्ड है कि OnePlus Buds या फिर जो दूसरे मे बी और ट्रूली वायरलेस हैं। देखा रहे तो फिर OnePlus इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते, तो फिर ये एक ही ट्रूली वायरलेस ये बड्स हो सकता है। और बाय द वे, इससे पहले ये सब स्पेसिफिकेशंस पूछो पीसी के या फिर कौन सा मॉनिटर, कौन सा माइक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, बार बार कमेंट्स में नहीं लिखो तो फिर अच्छा होगा। तो होपफुली मैंने आपकी हेल्प कर दी ये सब बता के। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड देखो, ये OnePlus Buds Z है एंड हमने पहले भी देखे OnePlus वायरलेस जो बड्स थे उनके, वो जो Z थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते थे। OnePlus के वायरलेस ईयरबड्स जो बैंड वाले आते थे, नेक बैंड वाले, उनसे बहुत ज़्यादा सस्ते थे। जो OnePlus की Z फैमिली थी, इसको हम कहेंगे अब से, क्योंकि सारे जो भी Z वाले होंगे वो सस्ते होंगे, एंड ये एक्सेप्शन नहीं है। एंड ये रबर सिलिकन टिप्स के साथ आएंगे जो एक अच्छी सील बनाएंगे। अब इस प्राइस पॉइंट पे ये लोग रबर सिलिकन टिप्स के साथ क्यों गए, जो ये थोड़े सस्ते प्राइस में आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि Z फैमिली थोड़ी सस्ती है, तो ये जो सस्ते रेंज में आएगा उसमें सस्ते ड्राइवर्स यूज़ करने पड़ते जो इतनी पावर आउटपुट नहीं देते। इसके लिए कानों में अच्छा सील होना चाहिए, वो थम्पिंग बेस एंड साउंड लीक नहीं हो, साउंड जो भी क्वालिटी है एकदम अच्छी रहे के अंदर, इसलिए सिलिकन टिप्स के साथ जाना पड़ता है। अब मेन पॉइंट है इसकी प्राइस। तो ऑलरेडी 2000 रुपए में OnePlus का एक नेक बैंड वाला वायरलेस ईयरबड्स हैं, एंड ये बहुत सारे वेबसाइट्स पे एंड इवन ट्विटर हैंडल्स पे लीक हुआ था कि 2000 रुपए का होगा, लेकिन ऑलरेडी एक नेक बैंड वाला वायरलेस ईयरबड है 2000 रुपए में। तो मेरे हिसाब से शायद से इसकी प्राइस 2500 हो सकती है एग्जैक्टली, होपफुली उससे ज़्यादा नहीं हो इंडिया में। बट इसकी प्राइस एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे, मैंने पर्सनली 2450 में ओप्पो एनको W31 लिए थे, उस पर वीडियो की है, टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो 3500 के आसपास वाली रेंज में उससे सस्ता और उससे अच्छा ईयरबड है ही नहीं। और भले ही अगर प्राइस 2500 रुपये हो, मतलब 2500, तो भी कोई टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो फिर आपको एक कूपन कोड मिलेगा 200 पॉइंट्स वाला, डिपेंड करता है, अगर आप सस्ती चीज़ ले रहे हो तो फिर 200 रुपये ऑफ होगा, लेकिन अगर 2500 जैसे कि मैंने ये OnePlus Buds Z की बात की तो फिर आपको 500 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। एंड अगर फ़ोन लेते हो तो फिर 1000 से 2000 रुपये भी ऑफ पड़ सकते, तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाना एंड अपना कूपन कोड रिडीम करना। बट मे बी ये शायद से अच्छा कॉम्पिटिशन दे, मे भी नहीं दे, आगे जाके देखना पड़ेगा हमें। एंड थोड़ी बहुत और चीज़ें आ सकती है, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर 14 तक। मैं एक्चुअली इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो फिर आप ट्यून इन करना एंड मैं अपने ओपिनियंस भी बताऊँगा कि आपको ये फ़ोन या फिर प्रोडक्ट जो भी वो लॉन्च करेंगे वो लेना चाहिए या नहीं। तो आपके क्या थॉट्स या फिर ओपिनियंस है मुझे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे ये थोड़ी इंट्रीगिंग लगी क्योंकि ये एक काइंड ऑफ बजट सेगमेंट है एंड OnePlus इस बार बजट सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ही जा रहा है, तो होपफुली एक अच्छा रेवोल्यूशन लाए जैसे Xiaomi 2014 या 2015 में लाया था। ये एक अच्छा सेगमेंट लाए TWS, जो बजट TWS है मार्केट में। एंड देखो, वीडियो पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और टेक न्यूज़ अनबॉक्सिंग्स रिव्यूज़ आते रहेंगे इस चैनल पे, एंड मुझे फॉलो करना ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉर क्विक अपडेट्स। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।